कंपनी ने कहा न्यू मैग्नाइट, लेकिन क्या ये सच में नई है? इसके फीचर्स रियली बदल गए हैं तो क्या क्या फीचर्स बदले हैं, प्राइसिंग में क्या चेंज आया है, सब कुछ समझते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करें इसके लुक्स की, वहां पर क्या क्या चेंज है, फिर बात करेंगे इसके इंटीरियर में क्या क्या चेंज मिलता है। लुक्स में ये बड़ी सी LED हेडलैम्प, पहले यहाँ पर आपको हाउसिंग मिलती थी, अब यह ग्रिल को बड़ा कर दिया गया है और नतीजा ये ग्रिल यहीं से लाइट से सटी हुई स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आपको डियाल्स मिलते हैं, ग्रिल का साइज बड़ा है, निशान का नया बैज, नीचे कैमरा भी मौजूद है, ये एलिमेंट बिल्कुल नया है, फॉग लैंप यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल देखने में यह काफ़ी कुछ तो पुरानी जैसी ही नज़र आती है, मगर ग्रिल के बड़े होने से थोड़ा बोल्डनेस बेहतर हुई है और शायद कंपनी इसीलिए इसे बोल्ड न्यू SUV कहकर बुलाती है। हाँ, ये कर्व पहले भी मौजूद थे और देखने में यहाँ पर इस नए कलर के साथ काफ़ी बेहतर लग रहा है। कंपनी एक दो नहीं 12 इंटरनेशनल कलर्स के साथ मैग्नाइट को लॉन्च कर रही है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले 16 इंच के नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स, 195/60 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ में, पहले पकड़ अच्छी थी अब कैसी है ये बाद में बताऊंगा। ये कट यहाँ पर आज भी मौजूद है, निशान मैग्नाइट की बैजिंग, ब्लैक्ड आउट ORVM ए पिलर की तह से, नीचे आपको कैमरा भी दे रखा गया है। ये हिस्से का डिजाइन अब बदल गया है, इसकी स्कर्टिंग थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको अब क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मिल रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, और ये क्रोम की लाइनिंग इसको लंबा बनाने में हेल्प करती है। पीछे भी आपको क्रोम प्लेटेड डोर हैंडल्स मिल रहे हैं और यहाँ पर ये डिजाइन एलिमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर से ही आप फ्यूल फिल करने का काम कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर जैसे सभी बेसिक फीचर्स मौजूद है। यहाँ पर आपको क्रोम डिजाइन एलिमेंट ऐड किया गया है, ये वैसे तो एक्सेसरीज का हिस्सा है, और ये रियर टेल लैंप जो है ये बदल गए हैं। यहाँ पर हाउसिंग अलग तरह से है और ये क्लियर लैंप के हिसाब से दिए गए हैं, देखने में मुझे अलग यूनिक फील करा है। CVT की बैजिंग मौजूद है और यहाँ पर है मैग्नाइट की बैजिंग टर्बो की बैजिंग के साथ में, और ये हिस्सा भी इसका बदल गया है। नतीजा पीछे से देखने में थोड़ा नयापन जरूर आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली कोई बड़ा चेंज नहीं है। सेफ्टी की बात कर ली जाए तो अब 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिल रहे हैं निशान मैग्नाइट के साथ, और भी कई नए फीचर्स जुड़ गए हैं, ABS, EBD जैसे फीचर्स भी इसके साथ मौजूद हैं। और अगर बात की जाए बूट स्पेस की तो हाँ, लगे हाथ आपको बूट स्पेस 336 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, 3 बैग रखने के लिए काफ़ी है, 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में है, और अगर आप चाहें तो इस पर 2 और छोटे डफल बैग भी कैरी कर सकते हैं। पार्सल सेल्फ मौजूद है, ऊपर का हिस्सा भी कवर्ड है, और यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल मौजूद है जिससे कि आप बंद करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कार को पहले ही आप 4-स्टार क्रेस्टर्स रेटिंग मिली थी, अब 6 एयरबैग के साथ, और कंपनी का कहना है कि उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ी बिल्ट और बेहतर बनाई है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और क्रैश वॉथीनेस को और बेहतर बनाया है, यानी एक सेफर व्हीकल को और ज़्यादा सेफ करने की कोशिश की गई है निशान की तरफ से। आइए चल के बात करते हैं भीतर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके साथ। इंटीरियर की बात की जाए तो आपको लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, यहाँ पर भी आपको टच में लेदराइट फील होता है, इस तब भी आपको लेदराइट ट्रीटमेंट दिया गया है, सीट्स भी आपको लेदराइट्स मिलती हैं, और इवन ये डोर्स के साइड का पैनल भी लेदराइट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे वो ये कि इसमें आपको अब IRVM जो दे रखा गया है वो कम्प्लीटली फ्रेमलेस और बड़ी साइज का दिया है, यह भी एक नया पॉइंट है। कंपनी का कहना है उन्होंने जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया है वह ठंडा रखने में हेल्प करता है, इवन ग्लास भी उन्होंने काफ़ी मोटे दिए हैं जो कार के भीतर के केबिन को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। इवन इस कार को आप दूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस चार्जर मौजूद है, क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आ गया है, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर मिलता है आपको, और अगर हम बात करें इस सिस्टम की तो यह निशान के लोगों के साथ स्टार्ट होता है, और इसमें वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैं आपको इसके ड्राइव एक्सपीरियंस में एक बार शेयर कर दूंगा। यहाँ भी बड़ा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फ्यूल से रिलेटेड हो, चाहे वो डोर से रिलेटेड हो, हर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। इस साइड आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल के कुछ बटन क्रूज कंट्रोल के यहाँ पर रखे गए हैं, और यहाँ पर इस तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं। सीट्स अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, यह इसका CVT गियर बॉक्स है जिसपे कि पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और लोड मोड मौजूद है। यहाँ भी आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है सामान रखने के लिए। और ग्लोव बॉक्स की बात की जाए तो अब यह कूल्ड ग्लोव बॉक्स के साथ आता है, छोटा सा ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पर
मौजूद है। और हाँ, नीचे का बात करें तो यहाँ पर एक खास तरह का आपको लोगो मिल जाता है वेलकम फीचर वाला, वह भी एक हिस्सा है जो इस कार को दूसरों से अलग बनाता है। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो नीरूम अच्छा है, कोई चेंज नहीं हुआ है पूरी कार में। लेगरूम भी बहुत अच्छा है, एसी वेंट यहाँ मौजूद है, एक टाइप सी चार्जर यहाँ मिल जाता है, मोबाइल रखने की जगह, दो कप होल्डर्स मौजूद हैं, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, तीसरे पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट नहीं है लेकिन थ्री पॉइंट सीट बेल्ट जरूर मिल जाती है। हेडरूम भी ठीक ठीक है, इसको लेकर कोई कंप्लेंट ना थी पहले ना है। ये सीट्स थोड़ी अलग हैं, इनके कपड़े में इस्तेमाल जो है लेदराइट का किया गया है और इसका फील भी अच्छा है। कंपनी का कहना है ये ऐसे डिजाइन की गई हैं कि आपको कार का टेम्परेचर 10 डिग्री कम रखने में हेल्प करती है। उनका ये भी कहना है कि इवन जितने भी ग्लास का इस्तेमाल किया गया है सब थिकनेस में थोड़े ज़्यादा है दूसरे कंपटीटिव ब्रांड्स के, जिसकी वजह से भीतर गर्मी आपको कम फील होगी। और शायद उसका रीजन एक ये भी है कि कोई सनरूफ नहीं मिलती है तो गर्मी कम तो फील होगी ही होगी और एसी भी बढ़िया काम करेगा। अब रही बात बाकी सब चीज़ों को लेकर, अंडर थाई सपोर्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेन नहीं। ओवरऑल पीछे बैठने वाले व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कंप्लेन होगी सिवाय इस चीज़ के कि तीन लोगों के बैठने के लिए रीजनेबल स्पेस नहीं है। शोल्डर्स टकराएंगे, दो एडल्ट और एक किड के लिए ठीक स्पेस है। इंजन फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या टर्बोचार्जर दोनों में कोई पावर फिगर में चेंज नहीं, दोनों के साथ सेम ट्रांसमिशन सेटअप आज भी उपलब्ध है, चाहे वह मैनुअल हो जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और AMT आपको मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ, जबकि टर्बोचार्ज इंजन के साथ मैनुअल के साथ आपको मिलता है एक CVT गियरबॉक्स। हाँ, चलाने की बात आए तो मैं आपको रिव्यू ऑलरेडी इस गियरबॉक्स के साथ दे चुका हूँ और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और बहुत जल्द हम इस नए वाले मैग्नेट का भी आपको एक ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओवरऑल कोई बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज नोटिस कर मिल रही है, वो ये कि इस तरफ इन्होंने पैडिंग जरूर दी है जो शायद इंजन कूल करने में, केबिन कूल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऊपर भी कवर्डिंग है जिसकी वजह से शायद वाइब्रेशंस कम करने में हेल्प मिलेगी। निसान मैग्नाइट, एक बड़ी चीज़ आप भी नोटिस करोगे वो ये कि इस कार के साथ जो नई कीज़ दी गई है और इस नई कीज़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको लगभग 60 मीटर डिस्टेंस से कार को स्टार्ट कर सकते हैं अगर वह CVT गियरबॉक्स के साथ आती है, और यह प्लस पॉइंट इस कार को दूसरों से यूनिक बनाता है। नतीजा क्या है कि अगर आप गर्मी में हैं तो आप घर के भीतर बैठे बैठे कार को स्टार्ट कर लीजिए ताकि उसकी कूलिंग बेहतर हो जाए और फिर उसके बाद में आप कार में एंटर करके कहीं भी जा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा यूनिक प्लस पॉइंट है जो अब शामिल कर दिया गया है मैग्नाइट के साथ। नतीजा यह कार अब उसी प्राइस से स्टार्ट हो रही है जिस प्राइस से यह पहले थी, यानी 5,99,000 रुपीज से ही यह शुरू हो रही है। हालांकि टॉप एंड वर्जन की कीमत अभी भी मेरी नज़र में ज़्यादा है जो कि 11,35,000 रुपीज के पास तक है। हाँ, अगर हम इसके बात करें, इसके वेरिएंट्स के नाम अब बदल दिए गए हैं, टेक्ना वेरिएंट जो है इसका वह टॉप एंड वेरिएंट है और इसके नए वेरिएंट का बेस जो है वह भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ है। ओवरऑल मेरा मानना है कि अगर आप मिड वेरिएंट पर जाते हैं तो वह एक अच्छी चॉइस रहेगी अगर आप AMT कंसीडर कर रहे हैं तो, वहीं अगर आप CVT देख रहे हैं तो मेरे अंदाज टॉप एंड वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। YouTube पे देखें तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, Facebook पे देखें तो लाइक और फॉलो कीजिए। देखते रहिए आज कारगुरु को।